2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विपक्षी गठबंधन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है और ऐसी ही एक तस्वीर बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की ओर से जनविश्वास महारैली में देखने को मिली, जहां जनविश्वास रैली में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव अरसे बाद किसी रैली में शामिल होते हुए नजर आ रहे थे। लालू यादव के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत वाम दल के कई नेता मंच पर मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा जहां भी रहें वो खुश रहें। रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुँचे हैं, तकरीबन यहाँ 10 लाख से अधिक लोग पहुँचे, लेकिन प्रशासन ने पूरी रात उन्हें परेशान किया, इसके बावजूद कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचते रहे। यानी सीधे सीधे तेजस्वी नीतीश बाबू और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। तेजस्वी ने मंच से कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किसके कहने पर किया था। नीतीश जी हमारे चाचा तो हो सकते हैं, लेकिन वो पटना में रोजगार के झूठे पोस्टर लगवा रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2020 में मेरे वादे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पैसा कहाँ से लाओगे, जो काम उन्होंने 17 साल में नहीं किया उसको हमने 17 महीने में कर दिखाया, 5 लाख लोगों को रोजगार देकर दिखाया। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पटना में, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। खैर, तेजस्वी यादव जहां सत्ता पक्ष पर तीखे जुबानी बाण चला रहे थे, वहीं मंच पर सभी नेता अपनी एकता का सबूत दिखा रहे थे। पटना पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नारा तो ये होना चाहिए कि यूपी और बिहार मिलकर 80 और 40, 120 हराओ, बीजेपी हटाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है और 10 साल के उनके यानी बीजेपी कार्यकाल में जनता के लिए क्या उपलब्धि हासिल हुई। हमें उम्मीद है कि यूपी के साथ साथ बिहार में भी बदलाव की बायार आएगी और हम सब मिलकर बीजेपी को मात देंगे। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। इस रैली को सफल बनाने के लिए तेजस्वी यादव कई दिनों से जनविश्वास की यात्रा पर थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रदेश के कई जिलों का दौरा भी किया और लोगों से गांधी मैदान पटना आने की अपील भी की थी। उसी का नतीजा है कि हजारों की संख्या में आरजेडी समर्थक पटना पहुंचे, जिससे समर्थकों की भीड़ देख लालू परिवार उत्साहित नजर आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये भीड़
वोटों में तब्दील हो पाएगी। फिलहाल अभी तो ये कहना मुश्किल है कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि मोदी मैजिक के आगे ये महागठबंधन फीका नजर आ रहा है, क्योंकि महागठबंधन में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि पर्दे के सामने कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी है। खैर, लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता जनार्दन होती है और अब यही जनता फैसला लेगी कि उसे ये महागठबंधन पसंद आता है या फिर मोदी मैजिक फिर से लोगों के दिलों को भाता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।